साहब का अंदर जाने दो। जयराम जी की जेलर साहब, मुझे मंत्री सदाचार्य जी ने भेजा है, स्पेशल ऑफिसर इंचार्ज ऑपरेशन यमराज। बैठिए बैठिए। हाँ तो कौन से ऑपरेशन की बात कर रहे थे आप? वो यमराज यहाँ आया नहीं? कौन यमराज? वही दाढ़ी वाला। वो यहाँ आने वाला है क्या? ऐसा उसने सदाचार्य जी को चैलेंज किया है। आप कमिश्नर साहब को फोन लगाएंगे? जी। कमिश्नर श्याम सुंदर स्पीकिंग। मैं जेलर वर्मा बोल रहा हूँ। वो आपका स्पेशल ऑफिसर, क्या नाम बताया आपने? लाइव मुझे दीजिए। कमिश्नर साहब मैं बोल रहा हूँ। कौन? इंद्रजीत। सवाल है कमिश्नर साहब, आप मेरी आवाज पहचान गए? मैं जेल पहुंच गया हूँ। स्काउंडरल, मैं तुझे कहाँ पहुंचाऊंगा ये तू नहीं जानता। ठीक है कमिश्नर साहब, आपको जो कुछ बोलना बोल लीजिए, बाद में मैं बोलूंगा। इंद्रजीत, तुम जेल में नहीं अपनी मौत के पास पहुंच चुके हो। बेवकूफ, तुम्हें आइडिया नहीं कि वहां कितनी बंदूकें हैं, कितनी गोलियां हैं। जी बेहतर है। तुम्हारी लाश आटा छानने की छलनी बन जाएगी। मैं बोलता हूं, सुनिए। मैं दोनों कैदियों को समझा दूंगा कि उनकी परेशानियों का अंत होने वाला है। केस खत्म, खलास, दी एंड। अरे मैं आता हूं तुम्हारा दी एंड करने। जी हाँ, आप आना चाहें तो आ सकते हैं और लाश कलेक्ट कर लीजिएगा, और साथ में मंत्री जी को भी यह खबर सुना दीजिएगा कि अब न टोपी की जरूरत पड़ेगी और न ही छतरी की। हेलो हेलो। शायद कमिश्नर साहब भी अभी 15-20 मिनट में यहां आ जाएंगे, तो जेलर साहब मैं अपना काम कर लेता हूं, कैदियों से मिल लेता हूं। आपकी कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। जब से इस जेल में आए लगता किसी फाइव स्टार होटल में कैद पड़े हैं। कोई तो चेंज होना चाहिए यार। अरे मेरे प्यारे ढीले ढक्कन, चेंज भी आ जाएगा, ये ले जाम्पी। ठहर जा अभी, वो ड्रैकुला नहीं आया जो रोज शराब की बूसों के आ जाता है। अरे जान मेरी, वो कहां जाएगा? शराब की खुशबू जब उसके नाक तक पहुंचेगी ना, तो साला खुद ब खुद आ जाएगा, समझे? अपराध अगर पाताल के अंधेरों में भी छुप जाए तो भी सजा पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। तुम लोगों ने ऐसा घिनौना पाप किया है कि मौत भी तुम लोगों के लिए बहुत छोटी सजा है, पर मजबूरी कि हर अपराध की आखिरी सजा सिर्फ मौत है।
तुम्हारा बेवकूफ आइडिया नहीं चलेगा है? अब तुम्हारा यमराज हम है, हम समझे? ¡Está la conozco!